नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और ये देखिए अनाम क्या है, अनाम क्या कैसे मुझे बनाया है, मैं देख रही हूँ अपने आप को। फ्रेंड्स, आज हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो प्लीज देखो, आप लोग पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फ्रेंड्स, आज हमारा ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग कराएंगे, में हम तेज पत्ता और नमक डालेंगे। देखिए हम दो तेज पत्ता ले रहे हैं, गैस को ऑन कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरे साइड गैस को ऑन कर दिया है। इसमें हमने देखिए भगोना रखा, भगोने में पानी डाला है। तो देखिए हम चार अंडा रख रहे हैं इसमें, और इसमें और थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड हमारा अंडा बॉईल हो रहा है, दूसरे साइड हमारा राजमा जो है कि देखिए पक चुका है, सीटी दे चुका है। हमने इसमें चार पांच सीटी लगा दिया। एक साइड हमारा अंडा भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो देखिए हम इसे देख लेंगे इस तरीके से खोल के, देखिए बॉईल हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अंडा भी बॉईल हो चुका है, राजमा भी सीटी मार चुका है। अब हम इसे उतारेंगे। तो देखिए अब हम राजमा के लिए मसाला तैयार करेंगे। जार में प्याज दिया है, दो प्याज हमने इसमें काट के लिया है। अब हम ये टमाटर जो है ये भी इसे काट के इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने प्याज काट के लिया था उसी तरीके से हम टमाटर भी काट लेंगे। टमाटर को हमने धो लिया है, देखिए हमें इस तरीके से काटना है। जैसे हम काट रहे हैं, हमें ज़्यादा बारीक नहीं काटना है क्योंकि हम इसे चिली पेस्ट बनाने वाले हैं। जैसे हम मोटा मोटा काट के जार में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे टमाटर को हम इसी तरीके से स्लाइस में कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे भाग में। ज़्यादा पतला हमें नहीं कटिंग करना है क्योंकि हमें पेस्ट बनाना है। और भी प्याज हम डाल लेंगे, इससे हम अंडे का भी ग्रेवी बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक का कुछ टुकड़ा ले लेंगे। उसके बाद कुछ लहसुन है, इसे भी डाल देंगे। अब इन सभी को हम पेस्ट बना के रख देंगे। तो देखिए हमने सभी का पेस्ट बना लिया है। इसमें हम अंडे का ग्रेवी और राजमा का सब्जी दोनों बनाएंगे इसी मसाले से। तो देखिए हमने इसमें चावल रख दिया है। अब हम पहले अंडे को फ्राई करेंगे, उसके बाद राजमा का और ये अंडे का मसाला दोनों एक साथ भून देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अंडा बॉईल किया था उसे हमने ठंडे पानी में रखा है ताकि ये ठंडा हो जाए अंडा हमारा। उसके बाद हम इसे एक एक करके अच्छे से कवर निकाल देंगे, छील देंगे। तो देखिए हम जैसे छील रहे हैं इसी तरीके से हमें पूरे अंडे को छीलना है। देखिए पूरे अंडे को हम इस तरीके से होल कर देंगे ताकि ये ब्लास्ट नहीं हो। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने अंडे को छील लिया। उसके बाद हम
कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिए थे, तो कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और देखिए, हमने दूसरे साइड में चावल रख दिया है पकने के लिए, तो इसमें हमारा भात बन रहा है। अब देखिए, हमने तेल डाल दिया, तेल को गरम होने देंगे। तो देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम ये अंडे को इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे तेल में हल्का। देखिए, अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे, लाइट फ्राई करेंगे। तो देखिए, इसमें तेजपत्ता और मिर्चा और इसमें जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और उसके बाद देखिए, हमने सभी का पेस्ट बना के जो तैयार किया था उसे डालेंगे। अब हम इसमें मिर्चा पाउडर डालेंगे। उसके बाद हल्दी डालेंगे। उसके बाद देखिए, रेस्ट का गरम मसाला है, इसे डाल देंगे। तो देखिए, एक साइड हमारा चावल पक रहा है, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। देखिए, हम राजमा को थोड़ा मसाला हम ग्रेवी के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम पानी में भी राजमा के डाले थे, उसी हिसाब से हमें नमक डालना है। उसके बाद ये जो राजमा का पानी है, पानी में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, चावल हमारा एक साइड पक चुका है। अब हम इसमें जो हमने चावल उतारा था वहाँ पे अब हम अंडे का ग्रेवी बनाएंगे। हमने मसाला जो फ्राई किया था उसी में का मसाला है। इसमें हम ग्रेवी हल्का पानी डालेंगे और इसे भूज के उसके बाद हम अंडे को डाल देंगे। हमारा ग्रेवी तैयार है और स्वाद अनुसार चावल का माड़ निकाल देंगे जो हमने चावल पकाया है। तो फ्रेंड्स, हम अंडे को डाल देंगे। तो अंडे को हमने देखिए
फ्राई कर दिया था। उसके बाद हम इसमें पानी थोड़ा डालेंगे और बॉईल करेंगे, उसके बाद उतार देंगे। हमारा ये एक ग्रेवी तैयार है। मसाला तो आप लोग को पता ही है कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। जो राजमा में डाला था वही मसाला हमने डाला है, बस हमने इसमें घी नहीं डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा खाना बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे अनामिका और अनामिका के दादाजी कर रहे थे। देखिए यहाँ पे एक राम जी का सुग्गा बोलते हैं, हमारे भाषा में सुग्गा बोलते हैं। तो वो देखिए राम जी का सुग्गा हमारे घर में आ गए थे, तो उसी से अनामिका और अनामिका के दादाजी खेल रहे थे। भगा दो कहा था बोलू पकड़े ला। हाँ डांटवा जा पकड़ो 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 भगा दो तो फ्रेंड्स आप लोग को ये दादा पोती का मस्ती कैसा लगा, हमारा रसोई में कुकिंग करने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनामिका पैर रंगी तो वो भी कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।